अगर आप लोग हर दिन अपने प्रोस्टेट की सफाई कर लेना, मतलब आप डिटॉक्स कर लें अपने प्रोस्टेट को, तो आने वाले समय में आपको प्रोस्टेट नहीं होगा, 100 साल तक आप लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी, नहीं परेशान करेगी। लेकिन आपको शर्त है, मेरी एक शर्त है कि आपको, मेरे कंडीशन है कि आप लोगों को हर दिन अपने प्रोस्टेट की सफाई करनी पड़ेगी। जैसे आप रोज सुबह जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठ के पेट को फ्रेश करते हैं, ठीक है, उसी तरह आपको हर दिन अपने प्रोस्टेट की सफाई करनी पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 साल तक, जब तक आप जिएंगे, 70, 80, 90, 100 साल, आप लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका स्वस्थ रहेगा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, भार नहीं बढ़ेगा। दोस्तों देखिए, प्रोस्टेट अगर हो गया, जो मैं तरीके बताऊंगा, अगर प्रोस्टेट आपको हो चुका है, ऑलरेडी प्रोस्टेट की बीमारी है, तो भी आपके जो लक्षण है कम होना शुरू हो जाएंगे इन उपायों को करने के बाद। और प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे बड़े दो ही लक्षण होते हैं, पेशाब या तो रुकता है या आपको बहुत ही ज्यादा आता है रात को, रात को आप लोग सो नहीं पाते, 30 से 40 बार पेशाब आता है। समझे बात को ना, समझ रहे ना आप लोग? तो आपको हर दिन बस एक कंडीशन है, और जो चाहते हैं प्रोस्टेट हमें ना हो आने वाले समय में, या और भी कोई यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए सारे आपको तीन उपाय बताऊंगा, तीनों उपाय हर दिन करने हैं। क्या बोला मैंने? अपने प्रोस्टेट ग्लैंड की रोज आपको प्राकृतिक तरीके से सफाई करनी पड़ेगी, जिस तरह मैं करता हूं हर दिन। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, नेचुरल वे से डिटॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको उपाय करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वस्थ रखना। नहीं तो फिर प्रोस्टेट की बीमारी जब होती है, तो वो तो आपको ही पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी खतरनाक ये ऐसी स्थिति है, आप लोगों को ही पता है। जिसको प्रोस्टेट की बीमारी है, प्रोस्टेट ग्लैंड की, BPH जिसको बीमारी, उसको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना बुरा हाल होता है। फिर पेशाब नहीं आते, फिर कैथेटर्स यूज़ किए जाते हैं, फिर आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रोस्टेट में सबसे बड़ी चीज़, आपको बहुत सी वीडियो में बताया, मैं उपाय बताऊंगा, अभी तीन उपाय बताऊंगा, तीनों करने पड़ेंगे, हर दिन करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप इन उपायों को नहीं भी करेंगे, जो तीन उपाय बताऊंगा इनको नहीं भी करेंगे, और सिर्फ ये परहेज कर लेते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आपकी 30 से 40% प्रोस्टेट की सफाई ऑटोमेटिकली होती रहेगी हर दिन। समझे बात को? ये उपाय अगर करेंगे तो आपको 100 में से 100% प्रोस्टेट की सफाई होगी। लेकिन ये उपाय आप किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये परहेज कर लेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो भी आपकी 40 से 50% हर दिन प्रोस्टेट की सफाई होती रहेगी नेचुरल वे से। दूध, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन्स, मैदे से बनी कोई भी चीज़, चाउमीन, मोमो, बर्गर, फास्ट फूड किसी भी तरह का, आप लोग आज से ही खाना बंद कर दो। मैं बोल रहा हूँ 40 से 50% सफाई हर दिन हो, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की शुरू हो जाएगी सफाई होना आज से, और अभी से, इसी सेकंड से। फल खाओ, सलाद खाओ, ज़्यादा टमाटर ज़्यादा खाओ, टमाटर में लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ चुकी हैं, लाइकोपिन बहुत एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस आप लोगों को दिन में 1 ग्लास पीना है, 250 ml। ये कुछ आपको सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ, जो घर सप्लीमेंट्स या घर पे पड़ी चीज़ें हैं यार, उपयोग कर लिया करो। बात को समझ रहे हैं ना? जो नहीं खाना मैंने आपको बता दिया, अभी तीन घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, तीनों करने हैं आप लोगों को। अब बात सुन लो, देखो, मीट, अंडा नहीं खाने आप लोगों, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सब बंद करना पड़ेगा भाई। कौन से ऐसे तीन घरेलू उपाय हैं दोस्तों, अगर आप उनको करेंगे तो आपके हर दिन 100 में से 100% प्रोस्टेट ग्लैंड की सफाई हो जाएगी, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर चर्बी आ चुकी है, जिस वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा है, समझ गए बात को ना, वो ठीक होना चालू हो जाएगा, उसके लक्षण कम होना शुरू हो, आपको पेशाब बार बार नहीं आएगा, पेशाब रुकेगा नहीं, क्योंकि जब इमरजेंसी में पेशाब अगर रुकता ही है तो बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल पेशेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें बेचैनी, घबराहट होती है मरीजों को। अब वो तीन घरेलू उपाय सुन लो। पहला घरेलू उपाय, आज से और अभी से दिन में 1 चम्मच आप लोगों ने पंपकिन सीड्स लेने हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हफ्ते में एक दिन, साल में एक दिन, नहीं, हर दिन।
पर डे आप जैसे आप खाना खाते हैं उसी तरह आप लोगों को पर डे रोज एक चम्मच कद्दू के बीज का खाना पड़ेगा। कद्दू के बीज में होता है जिंक और फाइटोस्टेरॉल, ये दोनों चीज़ें आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को एलाजमेंट को कम करने का काम करती हैं। जो भी इन्फ्लेमेशन आ चुके हैं उनको रिड्यूस करने का काम करती है दोनों चीज़ें। बात समझ आ गई। हर दिन कद्दू के बीज का एक चम्मच खाना है, पम्पकिन सीड्स का। दूसरा, हर दिन आप लोगों ने ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी दिन में एक या दो बार जरूर, दो कप जरूर पीने हैं। यहाँ मैं बात को समझ रहा, यहाँ पर मैं महीने में हफ्ते में बात नहीं कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन, नो भैया नेवर। आप लोगों को पर डे ये काम करने हैं, पर डे एक चम्मच कद्दू के बीज का खाना है, चाहे पाउडर बना के खा लो चाहे वैसे खा लो, पर दिन आप लोगों को दो गिलास ग्रीन टी के पीने हैं। ग्रीन टी अगर नहीं आप मार्केट से ला सकते, पैसे की कोई भी इशू है, तो आप लोगों को तुलसी टी या जिंजर टी, अदरक की या तुलसी की चाय पीने, शहद डाल के एक चम्मच, बस। समझा गई बात ना। तीसरा और लास्ट उपाय, ये तीनों उपाय करने हैं, मैं बात दो फिर दोहरा दूं, रोज करने हैं, हफ्ते में एक दिन नहीं करने, रोज के रोज करने हैं। लौकी का जूस, लौकी लाओ, कड़वी नहीं होनी चाहिए, नुकसान करेगी, लौकी कड़वी ना हो, लौकी लाओ, उसको छिलका निकाल के फेंक दो, मिक्सी में टुकड़े टुकड़े करके डालो, चार पांच पत्ते तुलसी के डालो, आधा चम्मच काली मिर्च का डालो, मैश करो अच्छे से, पानी डाल के उसको पियो सुबह शाम दो टाइम, खाना खाने के दो ढाई घंटा पहले। और यकीन मानो दोस्तों, ये तीन उपाय जो बंदा करेगा उसको कभी प्रोस्टेट की बीमारी होगी नहीं, उसका प्रोस्टेट कभी एलाज्ड होगा ही नहीं। ये तीनों उपाय करो, आपको जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।